अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज के इस वीडियो में Redmi K60 Pro का परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। इसमें Snapdragon 8 Gen 2 की चिपसेट हमें मिल रही है जो कि 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेसर बेस करती है। ऑक्टा कोर 3.19 GHz का CPU मिल रहा है, एंडिनो 6740 का GPU मिल रहा है और इसके अंदर आपको रैम टाइप LPDDR5X मिल रही है। इसके अलावा स्टोरेज यहाँ पे UFS 4.0 की मिल रही है। तो कैसी होगी परफॉर्मेंस चेक करेंगे। गेमिंग वगैरह के अंदर कोई हीटिंग इशू तो नहीं है, कोई लैग तो नहीं मिल रहा। डिस्प्ले काफ़ी आउट क्लास है, 2K रेजोल्यूशन OLED 68 billion वाला कलर डिस्प्ले मिल रहा है। तो कैसा हमें कलर देखने को मिलता है, ग्राफिक्स कैसे देखने को मिलती है, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस रिव्यू। गेमिंग रिव्यू बेसिकली हमारा होने वाला है क्योंकि Snapdragon 8 Gen 2 की चिपसेट मिल रही है और यही चिपसेट हमें इससे पहले Red Magic 8 Pro Plus के अंदर भी मिली थी। इसमें गेमिंग काफ़ी क्लास की रही, तो आज हम देखेंगे परफॉर्मेंस में इसमें क्या फ़र्क होगा क्योंकि गेमिंग फ़ोन तो नहीं है लेकिन ऑलराउंडर डिवाइस है। Redmi K60 Pro 12GB रैम का वेरियंट है, 3GB आपको एक्सटेंडेड रैम का ऑप्शन मिल रहा है, 3.19 GHz ऑक्टा कोर CPU यहाँ पर मिल रहा है और इसके अलावा 256GB की स्टोरेज यहाँ पर आपको मिल रही है और इसके अलावा आपको यहाँ पर UFS 4.0 की रीड एंड राइट और LPDDR5X की रैम सपोर्ट मिल रही है। तो परफॉर्मेंस देखेंगे कैसी होगी। 12GB रैम प्लस 3GB यानी टोटल 15GB रैम का वेरिएंट है Snapdragon 8 Gen 2। सबसे पहले PUBG ऑन कर लेते हैं और डिस्प्ले काफ़ी आउट क्लास है इसका। हमने जो Red Magic 8 Pro लास्ट किया था उससे अच्छा डिस्प्ले इसमें मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर 2K रेजोल्यूशन मिलता है। इसके अलावा 68 billion कलर्स का डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो देखेंगे कैसा होता है रिजल्ट। गेम ऑन कर लेते हैं और गेम यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। कलर्स तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, थोड़ा सा गेम प्ले भी करेंगे और साउंड क्वालिटी भी चेक कराऊंगा। मैं ब्राइटनेस दिखा देता हूँ, ब्राइटनेस टाइम में मैंने फुल की हुई है, काफ़ी ज़बरदस्त ब्राइट डिस्प्ले है इसका। और हम जब तक वहाँ पे गेम स्टार्ट हो रहा है ग्राफिक्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमें स्मूथ पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिल रहा है, बैलेंस पे भी एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिल रहा है, HD पे भी एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिल रहा है, HDR पे भी एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिल रहा है और अल्ट्रा HD पे नहीं जा रही डिवाइस बोल रहा है। डाउनलोड और स्विच टू अल्ट्रा HD एंड लॉबी के अंदर हमें स्विच करना पड़ेगा अल्ट्रा HD पे। तो अभी हम गेम स्टार्ट हो चुके हैं लेकिन अल्ट्रा HD पे भी जाएगी डिवाइस, 4K रेजोल्यूशन आपको मिल जाता है वहाँ पे। तो अभी हम खेलते हैं इसको HDR पे एक्सट्रीम फ्रेम रेट के साथ। अप्लाई कर देता हूँ और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। कलर्स तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं इसके। साउंड क्वालिटी भी चेक करेंगे, मैं साउंड भी फुल कर देता हूँ क्योंकि इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल रहे हैं। एक ऊपर की साइड पे यहाँ पे स्पीकर है और एक यहाँ नीचे की साइड पे स्पीकर है, तो आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर वाला साउंड देखने को मिल जाएगा। और साउंड क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं, गेमिंग वगैरह भी कर लेते हैं। कलर्स तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, डिस्प्ले बहुत ही आउट क्लास है, टच भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इसका। टच सेंसर जो है बहुत स्मूथ टच है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल ईजीली आपको बिल्कुल हल्के से टच करने में भी काम कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि ज़ोर से दबाने में जैसे कुछ डिस्प्ले पे कुछ हो जाएगा, इस तरह की फीलिंग आ रही है। लेकिन बहुत इसका प्रीमियम टच है, बिल्कुल स्मूथ। और यार ग्राफिक्स तो बड़ी ज़बरदस्त है। साउंड क्वालिटी ज़बरदस्त, साउंड क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है और ग्राफिक्स भी बहुत अच्छी हैं। तो गेमिंग के अंदर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो गेमर्स हैं वो आई थिंक इसको समझ गए होंगे कि इनको गेमिंग के अंदर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ग्राफिक्स तो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। ज़बरदस्त, साउंड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, ग्राफिक्स भी बहुत अच्छी लगी। कोई लैग नहीं है डिवाइस के अंदर, कोई हैंगिंग नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है बहुत अच्छी ग्राफिक्स के साथ। गेमिंग में बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसके अलावा मैं आपको कॉल ऑफ ड्यूटी की भी दिखा देता हूँ ग्राफिक्स कैसी होती है, गेम प्ले कैसा होता है, कॉल ऑफ ड्यूटी का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे गेम टर्बो ऑन हो जाता है जैसे ही आप गेम ऑन करते हैं, गेम टर्बो ऑन हो जाता है इसका बिल्ट इन जो आपको मिलता है रेडमी की तरफ से। गेम यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई है कॉल ऑफ ड्यूटी। अब यहाँ पे ग्राफिक्स भी दिखा देता हूँ, गेम प्ले भी करते हैं। साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, वाओ, कलर्स तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। I'm
Xbox fight harder. गेम खेलने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त गेम खेलने में बहुत मज़ा आएगा इसके अंदर। और मैं बिल्कुल गेम के अंदर नज़ारा वो हो गया कि मैं भूल ही गया हम वीडियो कर रहे हैं रिव्यू की। मैं आपको ग्राफिक्स भी दिखा देता हूँ, सेटिंग में जाके ऑडियो ग्राफिक्स में जाते हैं तो लो ग्राफिक पे हमें अल्ट्रा फ्रेम रेट मिल रहा है, मीडियम पे मैक्स फ्रेम रेट मिल रहा है, हाई पे भी मैक्स फ्रेम रेट मिल रहा है और वेरी हाई ग्राफिक्स पे भी वेरी हाई मैक्स फ्रेम रेट मिल रहा है। यहाँ पे वेरी हाई ग्राफिक्स के साथ खेलते हैं। गेम में हम जीत चुके हैं तो गेमिंग में बहुत ही मज़ा आने वाला है, मुझे काफ़ी मज़ा आया गेमिंग के अंदर। मुझे लग रहा है गेमिंग डिवाइस भी है, हालांकि ऑलराउंडर डिवाइस आप कह सकते हैं। बहुत जल्दी इसका कैमरा रिव्यू भी करेंगे, परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स के अंदर भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इसमें आपको साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल रही है तो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आप, उसमें आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। इंस्टाग्राम, फेसबुक सारी चीज़ें, टिकटॉक वगैरह यूज़ करते हैं, इसमें काफ़ी मज़ा आएगा गेम यूज़ करते हुए, डिवाइस एप्लीकेशन यूज़ करते हुए। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी डिवाइस, आप लोग ये अगर आए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत जल्दी इसका कैमरा रिव्यू भी लेकर आऊँगा क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे कैमराज हैं। 5000 mAh की बैटरी इसमें मिल रही है 120W की फास्ट चार्जिंग के साथ। आप लोग इसकी कौन कौन सी वीडियोज़ देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।